मेरा मान रही अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उन्हें आसान और आप लोग देख रहे हैं सेफ एंड पाकिस्तान। दोस्तों इस टाइम हम F17 के मेन गेट के ऊपर हम खड़े हैं। इसके दो गेट हैं, हम गेट नंबर 1 के ऊपर खड़े हैं, टेली गार्डन जिसे कहते हैं। आज इस सोसाइटी को हम रिव्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट कैसी है, यहाँ पर प्लाट्स के रेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे और कैमरे की आँख से सोसाइटी आपको विजिट कराएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर कोशिश हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आई सोसाइटी आपको विजिट करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस टाइम हम F17 में मौजूद हैं और F17 के दो गेट हैं। हम एक गेट मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है और दूसरी टेली गार्डन की है। हम इस टाइम टेली गार्डन वाले गेट से हम एंटर हो रहे हैं। ये सोसाइटी 5000 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है और ये दो हिस्सों में तकसीम है, F17-1 और F17-2। F17-1 जो है वो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लॉट हुई थी, उन्हें मल्टी वाले ने डेवलप की थी, और F17-2 को TNT ECHS ने डेवलप की थी, जिसको TNT कहते हैं। डेवलपमेंट आप लोगों के सामने है और आज से कोई 5-6 महीने पहले यहाँ पे एक ही गेट से एंट्री थी मल्टी वाले साइड से, जिसकी वजह से TNT के रेट्स काफ़ी कम थे, मगर रिसेंटली गेट नंबर 2 खुल गया है जिससे TNT के रेट भी काफ़ी बढ़ गए, बल्कि मल्टी से ज़्यादा बढ़ गए। इसकी सराउंडिंग की अगर हम बात करें, सराउंडिंग में पैसल टाउन और पैसल टाउन के साथ शालीमार टाउन, पिज़ाइया हाउसिंग और PCHS, इस तरह की काफ़ी सारी सोसाइटी है। गुलशन सेहत है एक साइड पे, और रेट्स की अगर हम बात करें तो रेट्स यहाँ पे जो सबसे छोटा प्लाट है वो 30-60 का है, यानी 8 मरले का, ये मिल जाता है कोई 80 से 85-90 तक मिल जाता है, और जो 35-70 यानी 10 मरले का प्लाट है वो 90 से लेकर 1 करोड़ 10 तक मिल जाता है। जो 40-80 का प्लाट है 12 मरले का, वो 1 करोड़ से लेकर 1 लाख तक मिल जाता है, और जो कनाल का प्लाट है वो 1.25 से लेकर 1.50-60 तक मिल जाता है। तो रेट डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी मुनासिब है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये सोसाइटी काफ़ी साफ़ सुथरी सोसाइटी है, और ये इस्लामाबाद जो मेन इस्लामाबाद है उसके भी बहुत करीब है, यानी अगर आप 0 पॉइंट से यहाँ पे आना चाहे तो दो साइड से आप यहाँ पे आ सकते हैं, एक मोटरवे के ज़रिए और एक आप GT रोड के ज़रिए। मोटरवे के ज़रिए अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहे तो 0 पॉइंट से यहाँ पे आप लोग कोई 35 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और अगर GT रोड से आप आना चाहे तो GT रोड पे अक्सर ट्रैफिक का मसला होता है, ट्रक शक और ये अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है, फिर भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं कोई 45 मिनट से लेकर घंटे में। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और ये सोसाइटी काफ़ी साफ़ सुथरी और खूबसूरत सोसाइटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। आई सोसाइटी आपको विज़िट कराते हैं।